जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बारी से। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। HSSC मैथ टेस्ट सीरीज ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कंटिन्यू करते हैं। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। पहली आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर तय करती है, तो कितनी दूरी उस द्वारा चली गई है ये बताना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी देखो, आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद फिर आधी 25 किलोमीटर। तो यहाँ से हम 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई के द्वारा क्या करेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे। 2 × 30 × 25 इंटू यहाँ पर अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 30 + 25 ये आ जाएगी औसत चाल। और बताना क्या था, हमने दूरी बतानी थी कितनी चली गई उस द्वारा। तो 11 घंटे में चाल गुणा में समय, समय कितना है 11 घंटे। यहाँ से टोटल आंसर आ जाएगा 30 और 25 कितने होते हैं 55, तो 11 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 से काटेंगे तो ये 5 पर, तो 5 × 3 = 15 × 30, तो 300 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो आपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा √3/4, और यहां पर लिखेंगे ए अंबुजा मान लेते हैं, या फिर हिंदी में लिख देता हूं मैं सीधा, भुजा का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, बस इसमें रखना है आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे √3/4 भुजा कितनी है 6 है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 से ये चला जाएगा 9 पर, तो आंसर आपका आ जाएगा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/1 × 4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10 ऐसे करते हुए यहाँ पर इनका ऐड करना है। इसको ट्रिक से करेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं HSSC में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखो ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। देखो इन फैक्टर का जो डिफरेंस है, अगर वो बराबर है तो ये ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। इन सभी फैक्टर का डिफरेंस 3 है, तो क्या करना है आपने, 1, 2, 3, 4, 5 बटे में छोटा फैक्टर देखना है, पहले वाली उसमें छोटा फैक्टर है 1, और लास्ट में देखेंगे लास्ट वाली संख्या में यहां पर बड़ा फैक्टर कितना है 16, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 5/16, देखते ही आंसर लगा के आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x + 1/x अगर 2 है तो x^5 + 1/x^5 क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का। देखो इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं, इसको कैसे आएगा ये x^5 + 1/x^5, जब आपको x² + 1/x² की वैल्यू पता हो × x³ + 1/x³ की वैल्यू पता हो, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका x^5 + 1/x^5 आ जाएगा। यहां से आपको पता है x + 1/x अगर 2 है तो x² + 1/x² कैसे लेकर आएंगे, यहां से सीधा x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर, और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये तो आपको वैल्यू पता होगी कितनी है 2, अब बच गई कौन सी x³। अब x³ कैसे निकालेंगे, x³ + 1/x³ = जो गिवन वैल्यू है x + 1 क्या है 2 है, तो 2³ यानी 2³ - 2 और गुणा में 3 करना है बस। तो यहां से क्या जाएगा ये 8 - 6 तो भी क्या आएगा 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, आंसर क्या हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। तो x^5 + 1/x^5 की वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। देखो 1 + 2 + 3 ऐसे होते होते यहां पर ये जा गया 50 तक, 50 के बाद फिर प्लस में ये घटते हुए क्रम में है 49, 47 और यहां पर 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक से करेंगे, आपने सीधा आंसर देखते हैं एग्जाम में लगाना है। जो ये बीच की संख्या है ना, देखो 49 इस तरफ है, 49 इस तरफ है, तो जो मैक्सिमम बड़ा नंबर है वो है 50, तो आपने करना क्या है 50 का
स्क्वेयर कितना होता है 2500, ये आंसर हो जाएगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नाव की धारा के साथ तथा उसके विरुद्ध गति क्रमशः 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति बताना। देखो हमेशा यहां पर नाव की जो गति होगी, हम मानकर चलेंगे इन क्वेश्चनों में, बोट एंड स्ट्रीम वाले मैंने क्वेश्चनों में कंप्लीट बताया भी था, नाव की गति होगी एक्स और धारा की गति इसमें मानी जाएगी हमेशा वाई मानकर चलेंगे। और जब धारा के साथ यानी कि नाव की जो गति है, मान लीजिए यहाँ पर 12 दे रखी है, मतलब नाव की जो गति रही होगी, अगर धारा की भी कुछ गति है तो उसके साथ वो और ज्यादा स्पीड में चलेगी, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर नाव जो है धारा के साथ गति में आएगी तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, धारा की गति भी उसमें जुड़ जाएगी। ये दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 10। अगर x 10 है तो y 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएंगी x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, नाव की चाल, तो ये हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y है धारा की चाल यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।